मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ समय पहले हम लोग अकाल की चिंता कर रहे थे और इन दिनों वर्षा का आनंद भी आ रहा है तो बात नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के भरपूर प्रयास कर रही है। वर्षा के कारण कुछ कठिनाइयां होने के बावजूद भी हर मन, हर मानवीय मन पुलकित हो जाता है, क्योंकि हमारी पूरी आर्थिक गतिविधि के केंद्र बिंदु में वर्षा होती है, खेती होती है। कभी कभी ऐसी बीमारी आ जाती है कि हमें जीवन भर पछतावा रहता है। लेकिन अगर हम सतर्क रहें, प्रयत्नरत रहे, तो इसे बचने के रास्ते भी बड़े आसान है। डेंगू ही ले लीजिए, डेंगू से बचा जा सकता है। थोड़ा स्वच्छता पे ध्यान रहे, थोड़े सतर्क रहें और सुरक्षित रहने का प्रयास करें, बच्चों पर विशेष ध्यान दें। और ये जो सोच है ना, गरीब बस्ती में ही ऐसी बीमारी आती है, डेंगू का केस ऐसा नहीं है। डेंगू सुखी समृद्ध इलाके में सबसे पहले आता है। इसे हम समझें, आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते ही होंगे, लेकिन कभी कभी हम उस पर जागरूक एक्शन के संबंध में थोड़े उदासीन रहते हैं। सरकार, अस्पतालें, डॉक्टर वो तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन हम भी अपने घर में, अपने इलाके में, अपने परिवार में डेंगू न प्रवेश करें और पानी के कारण होने वाली कोई बीमारी न आए, इसके लिए सतर्क रहें। यही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा।